नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। हादसों का दिन रहा मंगलवार 11 जून। अलग अलग दर्दनाक हादसे में हुई 4 मौतें। पांचवे की तलाश जारी, कभी भी आ सकती है खबर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सिलपरा नहर में कूदे युवक युवती में से युवती का शव बरामद। कमर के पास से कटा मिला शव, युवती की पहचान हुई। सोमवार को एक लड़का और एक लड़की सिलपरा नहर के किनारे अपाचे मोटरसाइकिल क्रमांक MP17MH3328 से पहुंचे थे। थोड़ी देर दोनों ने वहां पर खड़े होकर आपस में बात की। उसके बाद लड़के ने लड़की को गोद में उठाया और नहर में छलांग लगा दी। नहर के किनारे रहने वाले लोग जब तक वहां पर पहुंचते, दोनों अथाह पानी में नदारत हो चुके थे। जांच के दौरान पता चला अपाचे मोटरसाइकिल रवि ताम्रकार, जो कि बड़ा समान थाने के रहने वाले हैं, उनके नाम थी। घटना स्थल पर एक बैग भी मिला था जिस पर अंकिता पटेल कक्षा 12 लिखा हुआ था। पुलिस ने काफ़ी तलाश करने के बाद नहर का पानी बंद कराने का निर्णय लिया। उसी के चलते मंगलवार की सुबह लड़की का शव नदी के किनारे बरामद कर लिया गया। उसका शव कमर के पास से कटा था। माना जा रहा है ऐसा सिलपरा पावर प्लांट में शव के फंसने की वजह से हुआ होगा। वहीं लड़के की तलाश अभी तक जारी थी। खबर लिखे जाने तक उसका कोई भी पता नहीं चला था। इस बारे में हमने बिछिया थाने के जांच अधिकारियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मामला ये था, कल ये अमृत पटेल नाम, अमृत लोनिया नाम का बताया कि एक लड़का एक लड़की मोटरसाइकिल से आए हैं। मोटरसाइकिल नहर के ऊपर पुल में खड़ा करके और दोनों आपस में बातचीत किए, दोनों कूद गए। कल भी पता तलाश किया गया, कोई पता नहीं चला। नहर का पानी भी बंद कराया गया, कोई पता नहीं चला। आज पता चला कि एक बिहारबराज नदी में एक लाश पड़ी है। वहां पर देखा गया तो बाहर पानी से बाहर किनारे निकलवाया गया, जिसमें धड़ उसका कमर से कटा हुआ है। परिवार जन लोग आए तो अंकिता नाम से बताए, उसकी मामा है और भाई अंकिता नाम से पहचानना बताए। ट्रैक्टर स्टार्ट करो भैया, वो छाव में करो। छाव में